किरीट सोमैया कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2007 से एनएससीएल को मार्केट में बिजनेस करने दिया गया, जिसके वजह से घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि घोटाले में छोटे किसानों का भी पैसा गया है। वहीं इसमें शरद पवार, मनमोहन सिंह भी जिम्मेदार है और यह भी कहा कि एनएससीएल कंपनी फ्रॉड है, उसकी जांच होनी चाहिए और बताया कि कंपनी सभी वेयरहाउसिंग ओवरस्टॉक जो भी बताए गए वह झूठे हैं। सरकार को यह बात मालूम होते हुए भी ऐसी कंपनी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? विघ्नेश शाह को बड़े प्रमाण में प्रोत्साहन या छूट छाट शरद पवार मंत्री थे तब मिली और इसलिए आज मैंने दोनों मांगे एक साथ कही कि 2007 में इस स्पॉट एक्सचेंज को 2007 या उसके पश्चात जो एग्जाम किया गया, क्यों किया गया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। नंबर दो, मैंने कहा कि इस एक्सचेंज के जो प्रमोटर से मालिक है उनकी भी जांच होनी चाहिए। उनके बैंक अकाउंट जब तक छोटे इन्वेस्टर और प्रामाणिक किसान, एक और हजारों लाखों किसान और छोटे इन्वेस्टर हैं और दूसरी ओर ये 10-12 बड़े सो कॉल्ड ब्रोकर और प्रमोटर हैं। ये कांग्रेस यूपीए सरकार या जिसमें चिदंबरम करो, प्रधानमंत्री जी कहो या शरद पवार कहो या वर्तमान में जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है मिस्टर थॉमस, उनके पास साल भर से ये जानकारी थी। तो वो भी मैं कहूंगा उनको चिंता वो डजन भर फ्रॉडलेंट ब्रोकर की और इस कंपनी के स्टेक होल्डर्स की, शेयर होल्डर्स या ओनर्स की है। हमें चिंता हजारों लाखों किसान और छोटे निवेशकों की है। किरीट सोमैया ने मांग की है कि ऐसी कंपनी को सीज कर दिया जाए। इस मामले में उन्होंने सभी फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरवर्ड मार्केट और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की भूमिका और रवैये को संदेशपद बताया है। सामने आया है और कांग्रेस यूपीए सरकार ये जो घोटाले करने वालों की और वह जो स्पॉट एक्सचेंज के मालिक है उनका रक्षण करना चाहती है, उसके लिए उन्होंने छूट दे रखी है। जबकि हम चाहते हैं कि जो वायदा बाजार में जो छोटे किसान और छोटे निवेशक है उनकी रक्षा हो। दूसरी हमने मांग की है, हजारों करोड़ रुपया यहां से बाहर जा रहा है तो पहले उनके बैंक अकाउंट स्थगित किए जाए, उनके पासपोर्ट और उनकी एसेट जब्त किए जाए और इसकी जांच जो सीरियस फ्रॉड इंटेलिजेंस ऑफिस के द्वारा हो, यह हमारी मांग है। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि आप उस कंपनी के मालिक और उनके जो फर्जी लोगों के बजाय किसान और छोटे निवेशकों की रक्षा करें। यह अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इनकी किसानों की रक्षा के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। हम